हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, और हमको कब मार्केट से एक्सपेक्ट करना है कि वो अपने को थोड़ा ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड दे, या फिर कब हमको ट्रेड नहीं करना है, या फिर कब हमको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, या फिर हमको छोटा टारगेट एक्सपेक्ट करना है, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, रोज ही ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर लेते हैं, रोज 1:3:4 एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी अपने चैनल पर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड 3 फेजेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के एंड में उसकी लिंक लगा दूंगा, तो उसका हम लोग थोड़ा सा पहले रिविजन कर लेते हैं। मार्केट कैसे चलता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ये देखिए ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ज़्यादा बड़े बड़े पुल बैक्स नहीं लेगा, सीधा अपने अपने रास्ते नीचे ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग साइड में उसको जो भी होना होगा उस साइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर किसी ने यहाँ पे सेल करके यहाँ तक उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, तो 2-3 दिन तक क्या होता है, इस बड़े मूव के बाद वो लोग प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, इमीडिएटली वो लोग आके फिर से नए ट्रेड नहीं लेते हैं। वो कौन हो सकते हैं, वो चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो, चाहे वो बड़े बायर्स बड़े सेलर्स हो, जो भी हो, ठीक है। एक साइकोलॉजी हमको जनरल बताती है, आपकी साइकोलॉजी पे ही आप ले लो। अगर आपको आज बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो आपको कल इमीडिएटली ट्रेड करने के लिए कोई जल्दी नहीं होगी, आपको कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा, आप शांत पीसफुल माइंड से मार्केट को देखोगे, आपको ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कल अपना एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, ट्रेंडिंग मार्केट था, इजी मार्केट था, आज इमीडिएटली जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन अपना क्या होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर किसी ने होल्ड भी किया और मार्केट अगर बहुत देर तक उनके फेवर में नहीं गया तो वो लोग क्या करेंगे, धीरे 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 अपनी पोजिशंस को काटते रहेंगे। सेकेंड थिंग होती है एक ट्रेंड, थर्ड थिंग, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या होता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद इमीडिएटली कुछ लोग बाइंग करते हैं, कुछ लोग सेलिंग करते हैं, और ये दोनों करने की वजह से मार्केट क्या होता है, साइडवेज टू वोलाटाइल में कन्वर्ट होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है अपना, पहले मार्केट होता है साइडवेज, फिर होता है वोलाटाइल, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग होता है मार्केट, राइट। तो ये अब कैसे होता है, क्या ये फिक्स रूल है क्या कि एक दिन साइडवेज, एक दिन वोलाटाइल, एक दिन ट्रेंडिंग, क्या इसका ऑर्डर भी फिक्स्ड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2-3 दिन तक वोलाटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप 2-3 दिन तक, 4 दिन तक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करते हो, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट की क्राइटेरिया कैसे पहचाना है, सबसे पहले तो आप लोग अगर ट्रैप ट्रेडिंग नहीं जानते हो तो ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में जो मैंने वीडियोज बनाए वो सीखिए, उससे आपको हेल्प होगी ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है ज्यादातर, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट की क्राइटेरियाज होती है कि मार्केट इस तरह से आता है, छोटे छोटे पुल बैक में कंटिन्यू करता है, ये होगी ट्रेंडिंग मार्केट की क्राइटेरिया। ट्रेंडिंग मार्केट उस दिन सुबह सुबह कंटिन्यू टाइम पास नहीं करता, ये हो गई उसकी और एक क्राइटेरिया, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या, अब आज के मार्केट में होता क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हो चुका था, राइट। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट 33,700 से ऑलमोस्ट इसने 32,300, यानी कि कितना ज्यादा, एक 14-1500 पॉइंट्स का इसने मोमेंटम किया है ऑलरेडी वन साइड। ये देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है ना, क्या इसने कोई टाइम पास किया, बिल्कुल भी नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट होता है इस तरह से वोलाटाइल, फिर आज मार्केट साइडवेज दिख रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक बार पैसे अगर किसी ने कमाए हैं तो इमीडिएटली वो लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बनाते, वो लोग क्या करेंगे, ठीक है प्रॉफिट बुक कर लिया ना, अब इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा देखते हैं मार्केट को कि कब मार्केट फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तब वो लोग आएंगे, ठीक है। या फिर किसी ना किसी को मार्केट ट्रैप करेगा तब वो लोग आएंगे। इस तरह से मार्केट यहाँ पे चलता है, एसएल्स पे चलता है। एक बार अगर बड़े प्लेयर्स ने अच्छा मूव कैप्चर कर लिया है तो वो लोग मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, और वो लोग अगर मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे तो इस तरह से छोटा मोटा ही मूव बनता रहेगा। अब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मैं फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिंपल है, अपने को कब मार्केट से ट्रेड एक्सपेक्ट करना है या फिर एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे मार्केट में जब साइडवेज मार्केट हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग, या फिर 1:1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट आज बुक कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा उस दिन आप होल्ड करोगे। अब आपको आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, क्या इमीडिएटली कल परसों ट्रेंडिंग मार्केट था क्या, ये देखिए बिल्कुल एक दिन पहले ही ट्रेंडिंग मार्केट था और उसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो गया, तो आज फिर से इमीडिएटली ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। प्रोबेबिलिटी कब होती है ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ये देखिए 2 दिन तक मार्केट साइडवेज हो गया, 2 दिन तक साइडवेज होने के बाद एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आज भी ट्रेंडिंग है, कल भी ट्रेंडिंग है, तो फिर से ट्रेंडिंग की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो गई, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर मार्केट में मूव आना चाहिए, मूव आना है, बड़ा मूव इस तरह से आना है,
तो उसके लिए इसको कम से कम सेटल होना पड़ेगा, इसको लोगों को सेल साइड भेज के उनके एसएल यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। तो अभी मार्केट यहाँ पे क्या करता हुआ दिख रहा है हमको, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन क्या मार्केट नीचे जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अब जितने भी ये सेलर्स हैं उनके सबके एसएल यहाँ पे होंगे, कुछ लोगों के थोड़े से ऊपर होंगे। तो बाय चांस अगर मार्केट इस तरह से 2-3 दिन यहाँ पे टाइम पास करके इस तरह से निकलता है, तो फिर इस तरह से एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को देखने मिलेगा। तो ये हो गया अपना एक प्लान। अब ये प्लान कब मार्केट फॉलो करेगा तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट चलता है, आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रैंडमली चीजें नहीं होती है, बिल्कुल रैंडम होती है चीजें यहाँ पे, यूनिक आउटकम होता है मार्केट का। लेकिन अपन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन जो जिस चीज की हाई प्रोबेबिलिटी है उस चीज को अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? पता किसको यहाँ पे नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है कि आज ही ट्रेंडिंग होगा कल ही ट्रेंडिंग होगा यहाँ पे, लेकिन जो एक्सपीरियंस आता है आपको डे बाय डे, हाँ मार्केट ने इस तरह से बिहेव किया था, मार्केट का स्ट्रक्चर ये होता है, आज मार्केट का सेंटिमेंट इस तरह से दिख रहा है, अगर इसको ट्रेंडिंग ही होना होता तो इतना इस तरह से टाइम पास नहीं करता। इस तरह के जो पॉइंट्स है जो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आए हुए हैं वो आपको काम आएंगे। तो ट्रेड आपको कब एक्सपेक्ट करना है? जब मार्केट ने कोई मूव किया ही नहीं है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। छोटे छोटे प्रॉफिट आपको कब एक्सपेक्ट करना है? हाँ बड़ा मूव अपने हाथ से निकल चुका है, अब मार्केट छोटे छोटे मूव करे तो 2-3 दिन अपन क्या करते हैं, थोड़े छोटे प्रॉफिट लेते हैं। इस तरह से आप लोग अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट इस तरह से आप लोग ले सकते हो, ठीक है? एक चीज आपको करनी है, बस 1:2 को मेंटेन करते रहना, ठीक? क्यों आपको 1:2 को मेंटेन करते रहना है? क्योंकि हो सकता है आज आपका ऐसे रेट हुआ हो, कल आपका ऐसे रेट हुआ, परसों आपका ऐसे रेट हुआ, 2 दिन आप 1:2 भी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे ना, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा और आप फिर से ग्रीन में आ जाओगे। तो ये अपने हाथ में नहीं, अपने को क्या करना है, जब आपने ट्रेड पकड़ा है, जब अपने फेवर में जा रहा है, तो ट्राई करो कि उसको होल्ड करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको होल्ड करोगे 1:2 तक तो आप इमीडिएटली पॉजिटिव चेंज अपने ट्रेडिंग में देखते रहोगे, ठीक है? ऐसे लेट होगा इसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, वन वन ऐसे लेट हुआ है कोई बात नहीं, फिर से ऐसे लेट हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 जो है ना इसको जरूर पकड़े रखना या फिर इसको कैप्चर करते रहना। जितना ज्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखोगे तो आपको कभी भी चिंता नहीं होगी ट्रेडिंग में कि क्या क्या गलत हो रहा है या फिर क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे को एक्यूरेसी बढ़ानी चाहिए इस तरह की, ठीक है? आई होप जो आज की वीडियो थी, मार्केट का बिहेवियर समझ में आ गया है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया, 3 फेजेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया, आपको कब ट्रेड को एक्सपेक्ट करना है वो भी आपको समझ में आ गया था। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।